हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो में आपके साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSC के फुल नोटिफिकेशन के बारे में। कल देखो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, और आज पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है, फुल नोटिफिकेशन, तो उसी के बारे में बात करेंगे। देखो पहले बता दूँ आपको, ये ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। किसी भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 10th है और 12th है, ठीक है, और पूरी डिटेल में देखेंगे। तो देखो इसमें पोस्ट वाइज दी है नेम ऑफ पोस्ट, स्टेनोग्राफर, ठीक है, स्टेनोग्राफर की कितनी है, 4 पोस्ट है टोटल, जिसमें जनरल की 3 है, OBC की 1 है। एज लिमिट 18 से 27, ये आप देख लो, पूरा कल मैंने बता भी दिया है, अब एक बार फिर देख लो, ठीक है। तो ये इस तरह से हैं, और सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं इसमें एम टी एस की 60 पोस्ट हैं, और ये जनरल की 25 हैं, 21 OBC की हैं, 7 SC की, 2 ST की और 5 EWS की। और इसमें जो एज मांगी है वो 18 से 25 मांगी है, और इसका जो सैलरी रहेगी वो 18 से 56,900 तक रहेगी, ठीक है। तो ये तो रहा आपका वैकेंसी के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, तो देखो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2nd, इसके लिए क्या है, 12th क्लास, ठीक है, क्या मांगा गया है, आप 12th क्लास हो और या इसके इक्विवेलेंट कोई भी, ठीक है, किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। स्किल टेस्ट नॉर्म 10 मिनट, ठीक है, ये आपकी वो चाहिए स्टेनो, ठीक है, आपको आनी चाहिए। तो कैसे मांगिए देख लो। और LDC की पोस्ट है, इसमें क्या है, 12th मांगा है, 12th क्लास पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, एंड वही स्किल टेस्ट, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट मांगा है, 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। अच्छा, सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट है, इसमें क्या है, इसमें भी 12th क्लास मांगा है, और मस्ट पोजेस द सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल, ठीक है, आपके पास किसका होना चाहिए, हैवी व्हीकल का ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंडरटेकिंग इन द ड्राइविंग हैवी व्हीकल्स, ओके। अच्छा, सुकानी में क्या है, सुकानी में भी 12th क्लास मांगी है, और सर्टिफिकेट इन स्विमिंग, स्विमिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन, किसी रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से, ओके। और गुड सेलिंग नॉलेज एंड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ स्मॉल बोट्स, तो ये आप देख लीजिए, सुकानी के लिए क्या है, कारपेंटर के लिए 12th क्लास और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, ओके। MTS में देखते हैं, MTS में क्या है, तो इसमें आपका 10th मांगा गया है, मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो MTS में कुछ नहीं है, 12th आप 10th पास हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है, ऑफलाइन भरा जाएगा ये फॉर्म, और ये भरा कब से जाएगा, ये 22 मई तक भरा जाएगा, और स्टार्ट हो चुका है, ओके। एज लिमिट देख लो, एज लिमिट क्या है, एज फॉर ऑल पोस्ट मेंशन इन द अबव टेबल द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज लिमिट इन द लास्ट डेट 22 मई, ठीक है। अच्छा, एज रिलैक्सेशन, वही OBC को कितना दिया जाएगा, 3 ईयर्स का, देखो 3 ईयर्स का, और SC ST को 5 ईयर्स का। तो लास्ट डेट फॉर रेसिपिएंट एप्लीकेशन इज 22 मई, इसकी जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 22 मई है। और आगे देखते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, ये सब लिखा है, ठीक है, ऑफलाइन मोड में फॉर्म है, अब देखते हैं कहाँ पे अप्लाई करना है। एप्लीकेंट मेंशन्ड क्लियरली ऑन द अवेलेबल, इसे देखो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपको लिखना है किस पोस्ट के लिए आप भर रहे हो फॉर्म को, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए, एंड एड्रेस टू द कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, ये है वेलिंगटन, ठीक है, नीलगिरिस, तो ये शायद तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु में है, तो आपका यही एग्ज़ाम होगा, ये सेंटर दिया है, आपको इस पते पे फॉर्म को फिल करना है, ठीक है, जब आप भरोगे फॉर्म को ऑफलाइन तो ये आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, तो यहीं पे शायद यहीं पे पेपर होगा आपका, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन,
मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए क्या है, अदर इंस्ट्रक्शन, COVID-19 इंस्ट्रक्शन, और ये फॉर्म फिलअप की वीडियो है। अगर फॉर्म फिलअप कैसे करना है, वीडियो बनवाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ओके। और आपका कोई भी डाउट हो कैसा भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।